आज मैं आप लोगों के लिए हरी मिर्च, नींबू और लहसुन का इतना टेस्टी अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। यह अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसे मैंने बिना मसालों के बनाया है, जिससे मसाला और तेल न खाना हो ज़्यादा, वो ये अचार खा सकते हैं और वैसे भी सभी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर इस नींबू और हरी मिर्च और लहसुन का अचार बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए हरी मिर्च और लहसुन नींबू का अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसे झटपट से बना के रेडी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च लिया है, 4 नींबू लिया है, आप यहाँ देख सकते हो, और 50 ग्राम के करीब हमने लहसुन को छील लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, हरी मिर्च को हमने अच्छे तरीके से धो के पोंछ के 1 घंटे के लिए हवा में सुखा लिया था। नींबू को भी धो के पोंछ के 1 घंटे के लिए हवा में सुखा दिया था। तो चलिए इसे हम तोड़ लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से, इस तरह से बीच से कट कर ले और बीच से फिर इसको इस तरह से चीरा लगा दे। हल्का सा कट करना है। सारे हरी मिर्च को हम इसी तरह से काट लेंगे। ये हरी मिर्च और नींबू खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ये हरी मिर्च और नींबू का अचार बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप यहाँ देखेंगे, लहसुन भी हमने डाल दिया हरी मिर्च में। अब बारी आती है नींबू डालने की। तो नींबू हमने लिया है पतला वाला छिलका देख के। तो आप यहाँ देखेंगे, अब हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो आपको इसी तरह से काट लेना है नींबू को। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ये नींबू, हरी मिर्च और लहसुन का अचार बना के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें नींबू कटा हुआ। नींबू डाल दिया हमने, अब इसमें डालने की ज़रूरत होगी, चलिए आपको बता देते हैं। हमने लिया है 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 पिंच हींग, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच मेथी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इधर गैस पे हमने तड़का पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और फिर गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको भूनना नहीं है, हम डाल दे रहे हैं इसमें मेथी, सौंफ, साथ में हमने डाल दिया है इसमें अजवाइन, कलौंजी। तो आप यहाँ देखेंगे, इन सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। तो आप यहाँ देख सकते हो, हमने इसको चला दिया है 1/2 मिनट के लिए, इसको चला लेना है। गर्म तड़का पैन है तो हमने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया हमने हींग। हींग डाल के फिर से इसको मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन और नींबू वाले अचार में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे 3 चम्मच नमक। तो नमक डाल दिया हमने, सादा नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे वही जो 5 फोरन हमने हल्का सा गर्म किया है ना, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दे रहे हैं 4 चम्मच विनेगर, सिरका जो होता है ना, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। विनेगर डालने के बाद फिर से इसको मिला लेंगे। अब इस हरी मिर्च, नींबू और लहसुन वाले अचार को जार में डाल देंगे। आप चाहें तो, अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप उसी में सारा चीज़ एक ही बार डाल दे सकते हैं। मेरे पास छोटा जार था, इसीलिए हमने एक बाउल में इन सभी चीज़ों को मिक्स किया है। तो आप यहाँ देखेंगे, हमने 2 जार में इस अचार को डाल दे रहे हैं। चलिए अब जार के ढक्कन को बंद कर देते हैं। आप इस अचार को 24 घंटे के बाद इसमें से हरी मिर्च निकाल के खा सकते हो। यह अचार बन के रेडी हो जाता है। बाकी लहसुन और नींबू को पकने में थोड़ा 10 से 15 दिन टाइम लगता है। तो 24 घंटे के बाद आप यह देख सकते हो, इसका कलर चेंज हो चुका है। आप लोग एक बार मेरे तरीके से हरी मिर्च और लहसुन नींबू वाला अचार एक बार बना के देखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा, इतना टेस्टी और अच्छा बनता है। अगर आप लोगों को अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।